अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री विद इफ्तान अरशद। आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये लेक्चर है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज शी। शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं और इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है और कौन कौन सा रिएक्शन इस पे होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड टू मेजर पोटेंशियल ऑफ सेल और पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। एक्चुअली अगर हम किसी भी मेटल के साथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे और एक गैल्वेनिक सेल बनाएंगे, तो उस गैल्वेनिक सेल में उस हाफ सेल ने जो कि मेटल का बना हुआ है कितना पोटेंशियल जनरेट किया, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग इट विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल हम तमाम टेम्परेचर पे 0.00 वोल्ट कंसिडर करें। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कंसिडर्ड टू बी 0.00 वोल्ट एट ऑल टेम्परेचर। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जब हम कनेक्ट करेंगे किसी दूसरे मेटल इलेक्ट्रोड के साथ, तो ये एज अ एनोड भी एक्ट कर सकता है और एज अ कैथोड भी एक्ट कर सकता है। इट एक्ट एज अ कैथोड एज वेल एज एनोड, डिपेंड करेगा कि जिस मेटल के साथ हमने इसे कनेक्ट किया उसका पोटेंशियल कैसा है। उसका रिडक्शन पोटेंशियल अगर हाइड्रोजन से ज्यादा होगा तो शी एक्ट करेगा एज अ एनोड, जबकि वो हो जाएगी कैथोड। और अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे कम होगा तो वो मेटल बनेगा एनोड और शी एक्ट करेगा एज अ। अब हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन कैसी है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक प्लेटिनम कोटेड प्लेटिनम फॉइल से बना होता है। ये प्लेटिनम फॉइल है, यहां पे मैंने मार्क किया हुआ है प्लेटिनम फॉइल कोटेड विद प्लेटिनम पाउडर। और ये प्लेटिनम फॉइल और प्लेटिनम पाउडर के साथ कोटेड क्यों होती है? ताकि सरफेस एरिया ज्यादा हो और रिएक्शन फास्ट हो। तो प्लेटिनम फॉइल कोटेड विद प्लेटिनम पाउडर है, एक ग्लास कंटेनर है जिसमें ये फिक्स है। और इसमें हम यहां से एंटर करते हैं 1 ATM पे हाइड्रोजन गैस, जबकि यहाँ सॉल्यूशन होता है 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। और स्टैंडर्ड कंडीशन हम यूज करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस और 290। जब इस टेम्परेचर पे 1 मोलर HCl सॉल्यूशन 1 ATM प्रेशर पे H2 गैस के साथ हम इस इलेक्ट्रोड को यूज करें तो इन्हें हम कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। और इस पे हम इसका पोटेंशियल 0.0 वोल्ट लेंगे। और इसका अगर हम गैल्वेनिक सेल बनाएंगे किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ, तो टोटल पोटेंशियल जो जनरेट होगा वो उस हाफ सेल। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ प्लेटिनम फॉइल कोटेड विद प्लेटिनम पाउडर। ये किस चीज से बनी हुई है? प्लेटिनम फॉइल कोटेड विद प्लेटिनम पाउडर, कोटेड विद पी पाउडर हो जाएगा प्लेटिनम। सराउंडेड बाय हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे क्या मौजूद है? यहाँ से हाइड्रोजन गैस आएगी और उस हाइड्रोजन गैस ने यहाँ पे सराउंड किया होगा। एक्सेस गैस यहाँ से क्या करेगी? बबल्स बना के इसमें से निकल जाएगी। से बबल तो हम लिख लेते हैं क्या हो जाएगा? सराउंडेड बाय H2 गैस एट 1 ATM। प्रेशर कितना होगा? 1 ATM इन कंटेक्ट विद 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है? H पॉजिटिव आयंस मौजूद हैं, HCl का सॉल्यूशन है। तो इन कंटेक्ट विद 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, यहाँ पे 1 मोलर HCl सॉल्यूशन मौजूद है। और टेम्परेचर क्या है? एट 298 केल्विन। अब अगर हमने इसे कनेक्ट किया किसी दूसरे मेटल के साथ और इसने एक्ट किया एज अ एनोड, तो
इसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसकी होगी? हाइड्रोजन गैस की, एच टू गैस ऑक्सीडाइज होगी एच पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एच टू टू एच पॉजिटिव आयन जनरेट होंगे अगर ये एक्ट करे एज अ एनोड। अगर क्या हो जाएगी? ये एक्ट करे एक्ट एज एनोड, शी एनोड बनेगा, तो एच टू एच पॉजिटिव आयन में प्लस टू ई नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? लॉस होगा। और हम ई नॉट ऑफ सेल, इसके सेल पोटेंशियल को हम कंसिडर करेंगे 0 वोल्ट, तो हम लिखेंगे ई नॉट ऑफ सेल एच पॉजिटिव ओवर एच टू। ये हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.00। और अगर इसने एक्ट किया एज अ कैथोड, अगर ये कैथोड बन जाए तो क्या होगी? इस पे रिडक्शन होगी। और यहाँ पे क्या चीज मौजूद है? मौजूद है यहाँ पे एच पॉजिटिव आयन और एच टू गैस, तो रिडक्शन के केस में क्या होगा? हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एच पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन, और एच पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2 H+ आयन, और बनाएंगे क्या हमारे पास? यहाँ बनेगी हमारे पास एच टू गैस, एच टू गैस प्रोड्यूस होगी। अगर एक्ट करेगी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज अ कैथोड, तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास एच पॉजिटिव आयन की रिडक्शन होगी, एच पॉजिटिव आयन रिड्यूस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एच टू गैस प्रोड्यूस, तो हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है हमने याद रखनी है? 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, प्लेटिनम फॉइल कोटेड विद प्लेटिनम पाउडर, इमर्ज्ड इनटू 1 मोलर HCl सॉल्यूशन एंड हाइड्रोजन गैस इज पास्ड एट 1 atm प्रेशर। 1 atm प्रेशर पे एच गैस हम पास करेंगे। ये हमारे पास टोटल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वर्किंग में हमारे पास 2 रिएक्शन है, एक्ट एज एन एनोड और एक्ट एज एन कैथोड। और जब ये कैथोड के तौर पे एक्ट करेगी तो भी हमारे पास क्या होगा? ई नॉट ऑफ सेल, हमारे पास क्या हो जाएगा? एच टू चेंज हो रहा है एच पॉजिटिव आयन में, ठीक है, रिडक्शन हो रही है। और ये हमारे पास इस केस में भी क्या है? 0.00